दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले मेरे पास तुम हो के एक और बेस्ट मोमेंट के ऊपर। ठीक है, एक बेस्ट मोमेंट के ऊपर नहीं, हम दो बेस्ट मोमेंट्स के ऊपर हम आज रिएक्ट करने वाले हैं। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो सभी लोग पहले तो सब्सक्राइब कर दें और एक बार जाके आप लोग चेकआउट कर लें। बाकी वीडियोज़ भी मेरे पास तुम हो इस ड्रामा के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़, इसके बेस्ट मोमेंट हम काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 50 बेस्ट मोमेंट्स तो अभी तक हमने कवर कर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जाकर वो सभी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसका ओएसटी भी हम कवर कर चुके हैं। अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि इस वीडियो में हम किस सीन के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, वरना बहुत सारे व्यूवर्स को पता चल गया होगा थंबनेल देख के। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में आप लोग नई नई चीज़ें सजेस्ट करते रहें ताकि हम आप सभी लोगों के लिए और भी चीज़ें कवर कर सकें और आप सभी लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोज़ ला सकें। ठीक है, वैसे भी रेगुलरली नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दें। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ कनेक्टेड रहने की आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इन सभी बातों को हम साइड पर रखते हैं, मेरे पास तुम हो के बेस्ट मोमेंट्स पे आते हैं, इन्हें देखते हैं और आखिर में इनके ऊपर बात करेंगे। ये भरम था मेरे पास तुम हो। तुम्हारे फादर इन लॉ की कॉल है। जी दानी साहब, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहिए क्या बात है। जी वो कल आपने गुस्से में कह दिया था कि आप रूमी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो मैं बहुत अपसेट हो गया था। मगर अब यू नो मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक बहादुर आदमी बना। बहादुर बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं रूमी से कहूंगा कि मेरे मजबूर करने से अपनी मामा को ना मिले, वो चाहे तो मिले पर चाहे तो ना मिले। कब कहेंगे? जी ये बात रूमी से कब कहेंगे? रूमी को फोन किया था मैंने, उसकी वार्डन ने बताया कि वो अभी अभी उठा है, मुंह धोने गया है। बस आपका फोन रखते ही मैं उसे दोबारा फोन करूंगा। ओके, मैं रख रही हूँ फोन। नहीं, एक मिनट। जी अब जबकि आप दोनों की बात मान गए हो तो आप भी गुस्सा थोप दीजिए। मतलब कहिए कि मैं रूमी की जिम्मेदारी ले रही हूँ तो आप लेंगी ना रूमी की जिम्मेदारी? ऑफ कोर्स लूंगी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। फोन रखिए आप। बाय बाय। नाइस। तुम्हें इतने फोन क्यों करता है? क्योंकि ये अब्बा का दोस्त है, अब्बा की डायरी से पता लगा और अब्बा उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन पहले इंकशाफ हुआ है कि मैं उसके बेटे की टीचर हूँ। ये तो है, मुझे लगता है बात कोई और। बात कोई और नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। कैसे? वो उस वक्त भी मेरी तरफ नहीं देखता जब वो सेफली देख सकता है, और देखे तो उसकी आंखें बिल्कुल खाली होती हैं। झूठ मूठ मुस्कुराता है, सचमुच हैरान होता है। और अब्बा ने ये भी लिखा था कि कई महीनों से मैंने नहीं देखा कि वो दिल से मुस्कुराया हो, लेकिन मुस्कुराने में हमेशा पहल करता है। पूछो क्यों? क्यों? उसकी बीवी ने उसकी मुस्कुराहट को मार डाला है। अब्बा ने कहीं ये भी लिखा था कि उस मर्द के मुस्कुराने पर तर्स खाओ जिसे अपनी बीवी पर शक हो गया। कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बाहर से दिखने वाला भागा सजीला ताकतवर मर्द अंदर से बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसा होता है। कितने खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं। भूख से टूट जाता है। अब्बा कहते थे कि औरत मर्द पे शक करे तो मुझे हंसी आती है,
लेकिन मर्द औरत पे शक करे तो मुझे रोना आता है। अरे वाह, दिखने में कैसी है बला की खूबसूरत? ये मैं कह रही हूँ वो खूबसूरत है, वरना जिस औरत में हया नहीं होती वो खूबसूरत नहीं होती। आ, तो सीधे बोलो ना कि वो खूबसूरत नहीं है, बला है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये सीन हो गया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया था यार, राइटिंग का तो मैं हमेशा से ही फैन रहा हूँ इस ड्रामा का, ठीक है। जब से हम देख रहे हैं राइटिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है, और हीरा मनी बहुत ही इनके जितने भी सीन अभी तक हमने किए, इतनी ट्रेन, इतनी स्किल्ड है, इतने बढ़िया तरीके से डिलीवर करती है अपने सारे शॉट्स, एक्सप्रेशन, आप इनके बात करने का तरीका पकड़ लो, सब कुछ बहुत ही नेचुरल लगता है, ठीक है। एक और सीन है, हम उसे भी देख लेते हैं। May I come in? आइए आइए बैठिए। Good morning. ये सीरियस लग रहा है। भूमि की क्लास इंचार्ज। ओह, ये इंट्रोडक्शन है। दानिश साहब। जी, I am his father. पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इनको बोर्डिंग में क्यों डाल दिया? क्योंकि उसने खुद सजेस्ट किया था। God, he suggested to you? और आप मान गए? कितने बच्चे हैं? सिर्फ रूमी है बस। और उसने आपको सजेस्ट किया और आपने उसको बोर्डिंग में डाल दिया? आई थिंक आई वाज रॉन्ग, है ना? एंड आई थिंक वो इस स्कूल में चल नहीं सकेगा। नो नो, देखें प्लीज। देखें सर, आई थिंक ही हैज अ प्रॉब्लम। बात करो तो मुंह बिसोड़ लेता है, रिसेस में अलग बैठता है, एंड होमवर्क ऑलवेज इनकम्प्लीट। सवाल करो, जवाब नहीं देता। जवाब देगा तो पहले सोचेगा, बल्कि सोचता ही है, जवाब नहीं देता है। देखें, आप एक मौका देना है, बस एक चांस। देखें सर, उसकी वजह से क्लास के दूसरे बच्चों पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, बल्कि एक दो ने तो कहा है कि उसे डर लगता है। अच्छा, डर क्यों लगेगा? वो कि जिन भूत है क्या? नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इंटेलिजेंट। कितना रियलिस्टिक है यार, कितना रियलिस्टिक है। आप उसे एक चांस दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर उसने इंप्रूव ना किया तो मैं उसे खुद यहां से ले जाऊं। एक चांस तो ठीक है, आप उनकी मदर को बोले वो आए और कमिटमेंट दे दे, मैं चांस दे देती हूँ। कहाँ से लाऊं उसकी माँ? डिवोर्स ले ली है उसने, मुल्क से बाहर चली गई। क्या लेंगी आप कमिटमेंट उससे? आई एम सॉरी, वो क्या है कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। बेटा है वो मेरा। देखिए, मैं जानता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बस माँ की जुदाई में तड़प गया तो वो इसलिए वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत सीन है यार। आज मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, और अगर उसने प्रॉमिस कर लिया तो देखना, वो ही विल बी फाइन, रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। इट्स ओके डैडी साहब, वी अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम, इट्स ओके। थैंक यू, thank you so much, and I'm sorry. बहुत ही बढ़िया यार, मैं loud बोल गया। नहीं, it's okay. Okay, खुदा हाफिज़। खुदा। Okay guys, so ये सीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। मतलब हम हानिया के इतने सारे सीन कवर कर चुके हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन सीन तो हमने देखा ही नहीं था, ठीक है। किस हिसाब से ये बात कर रहा था उसके साथ अभी, और आगे स्टोरी में इसका कितना मेजर रोल है, ठीक है। इसके बाद का जो सीन है ना, इसने कहा अभी मैं रूमी से बात करूंगा, वो ठीक हो जाएगा, उस सीन पे भी हमने रिएक्ट किया। अभी मुझे याद आया, इनकी शर्ट देख के मुझे अभी याद आ गया, ठीक है। वो सीन भी हमने किया, आप अगर ढूंढोगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही खूबसूरत सीन था, काफ़ी इमोशनल हो जाता है इंसान ऐसा देख के।
बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशंस या ऐसी सिचुएशंस में जब इंसान पढ़े तो किस हिसाब से रिएक्ट करेगा, एक बाप क्या बोलेगा अपने बच्चे के बारे में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बढ़िया लगा, ठीक है, डायलॉग से लेके एक्सप्रेशंस तक इन लोगों के, मतलब हुमायूं सईद साहब जिस तरीके के कलाकार हैं, मैंने इनका आज से पहले कभी कोई ड्रामा नहीं देखा था, लेकिन ये एक ड्रामा काफ़ी है ये कहने के लिए कि वो कितने कितने बढ़िया कलाकार हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाय।